हेलो फ्रेंड्स, साइंस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं ग्रुप डी एग्ज़ाम का 6 सितंबर का ऑल शिफ्ट। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है ये आया है, वन हॉर्न राइनो फाउंड इन व्हिच नेशनल पार्क। आपको सभी को पता है कि वन हॉर्न राइनो कहाँ पाया जाता है, ये है काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, हु हिट मोस्ट सिक्सेस इन वन डे मैच पे कौन सबसे ज़्यादा 6 रन मतलब 6 मारा है। इसका आंसर हो जाएगा शहीद अफरीदी। शहीद अफरीदी कहाँ से है? पाकिस्तान से हैं। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आप देखते हैं, योसांग फेस्टिवल कहाँ कहाँ है। योसांग फेस्टिवल जो है आप देख सकते हैं, योसांग फेस्टिवल कहाँ कहाँ है। ये योसांग फेस्टिवल है आपका मणिपुर का, ठीक है। अब मणिपुर का और एक फेस्टिवल आप याद रखिए, कूट फेस्टिवल की, ये भी एग्जाम में आएगा। ये योसांग फेस्टिवल जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, लगभग 5 से 6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आपको याद रखना, हाउ मेनी क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया, इंडिया में कितने क्लासिकल लैंग्वेज हैं। आप सभी को पता है इंडिया में अभी 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, ठीक है। कौन कौन से क्लासिकल लैंग्वेज है अभी इंडिया पे? आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं, तमिल, संस्कृत, मलयालम, उड़िया, ठीक है। तमिल, संस्कृत, मलयालम, उड़िया। अब तमिल को कब किया गया था? 2004 पे, संस्कृत को 2005 पे, मलयालम को 2013 पे, उड़िया को 2014 पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक, ये आप सबको पता है फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक किसको कहा जाता है, हेनरी मोजले को। और फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल अगर कहा जाए, जो पहले पीरियोडिक टेबल आता था उसको हम कहते हैं मेंडेलीफ को। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोले तो आप बोलेंगे हेनरी मोजले। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ नेचुरल एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। नेचुरल नंबर पीरियोडिक टेबल कितने हैं? 94 है। कहीं कहीं आप देखेंगे कि 96 भी लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी के अब जब एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तब वहीं पे देखेंगे कि 94 ही लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इन ह्यूमन बॉडी प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेसेस। प्रोटीन सिंथेसिस ह्यूमन बॉडी पे कहाँ पे प्रोटीन संश्लेष होता है? कहाँ पे होता है? राइबोसोम पे। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, रेजिस्टिविटी का इकाई, ऐसा इकाई क्या है? ओम मीटर है, ओम मीटर। अब एक ओम लॉ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ओम लॉ का फॉर्मूला पूछा था, V=IR हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम, मतलब फूड डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? आपको पता है बुक्कल कैविटी, माउथ कैविटी से फूड डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा फूड डाइजेशन होता है माउथ कैविटी में? स्टार्च का, ठीक है। जैसे टाइलिन और माल्टोज जो एंजाइम है उससे ये डाइजेशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, टाटा एयरलाइन कब शुरू हुआ था? टाटा एयरलाइन शुरू हुआ था 1932 पे। कहाँ पे शुरू हुआ था ये? मुंबई पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इनमें से मतलब एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से मेटलॉइड कौन सा है। मैंने सारे मेटलॉइड आपके लिए लिख दिए हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, एंटीमोनी, आर्सेनिक, ये सभी क्या है? मेटलॉइड है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया था कि एचआईवी एड्स जो है, एचआईवी कैसे स्प्रेड होता है? तो आप देख सकते हैं, इन्फेक्टेड इंसान के सुई से होता है, ब्लड डोनेशन से होता है, ठीक है, और अनप्रोडक्टिव सेक्स से होता है, एचआईवी इस तरह से स्प्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हिच एंजाइम हेल्प टू डाइजेस्ट स्टार्च। अब पहले ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं कि माउथ में कौन सा फूड का डाइजेशन होता है, स्टार्च का डाइजेशन होता है, शुरू होता है स्टार्च का। तो व्हिच एंजाइम, कौन सा एंजाइम स्टार्च को डाइजेशन के लिए हेल्प करता है? वो है एमाइलेज। अगर एमाइलेज नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? मल्टोज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन रिपब्लिक डे हु होस्ट नेशनल फ्लैग। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि इन रिपब्लिक डे अगर आपको पूछेगा तो आप करेंगे प्रेसिडेंट, और अगर आपको पूछेगा इंडिपेंडेंस डे मतलब 15 अगस्त को कौन होस्ट करता है तो आप बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंडियन स्टेट गॉट हाईएस्ट एफडीआई मीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है? आप देख सकते हैं कर्नाटक है, इनका लगभग परसेंटेज कितना था? 37.55%, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस के ऊपर एक क्वेश्चन था, तो क्या क्वेश्चन था मुझे पता नहीं, लेकिन बोला है कि बायोगैस के बारे में था, तो हम बायोगैस का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है मीथेन, लगभग 95% बायोगैस में मीथेन होता है, ये आप याद रखिए, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हिच गैस रिलीज्ड फ्रॉम कॉम्बस्टिंग ऑफ बायोगैस, मतलब बायोगैस को जलाने पे कौन सा गैस निकलता है? यह होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्टिकल 21 के बारे में, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, लगभग 7 से 8 बार आपका ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आर्टिकल 21 के बारे में कहा गया था, आर्टिकल 21 किस बारे में कहता है? प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम 6 टू 14
14 ईयर, मतलब 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एडुकेशन देने के लिए बात किया गया था। ये कब ऐड हुआ था? 2002 में, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फ्यूज वायर किससे बना होता है? फ्यूज वायर बना होता है लेड और टिन से। इसमें परसेंटेज कितना कितना रहता है? 50+50, मतलब 50-50। इसमें जो परसेंटेज रहता है लेड और वो रहता है 50-50 का, ठीक है। नेक्स्ट रहता है एक ओमिक्रॉन से पहली बार सवाल देखने को मिला कि ओमिक्रॉन को डिटेक्शन के लिए कौन सा किट बनाया गया है, या ओमिश्योर है? ओमिश्योर ऑप्शन में था, तो ओमिश्योर यहाँ पे आंसर करेंगे आप। वन क्वेश्चन था बैलेंस रिएक्शन। आपको पता है कि बैलेंस रिएक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा है कि एक इक्वेशन दे रहा है उसमें बैलेंस करना पड़ रहा है, तो वहीं पे बैलेंस इक्वेशन का एक क्वेश्चन था। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि पंचायत राज के ऊपर, पंचायत राज डे कब है? तो आपको याद रखना है 24 अप्रैल। अब पंचायत के बारे में आप हर मतलब जितना क्वेश्चन बन सके करके जाए, क्योंकि पंचायत से बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। पंचायत राज क्या है, पंचायत में कौन से स्टेट में पहले पंचायत लगा था, जो यही वाला क्वेश्चन आप देखिए। पंचायत राज स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट हुआ था? राजस्थान से, ठीक है। अब सल्फर का एक एटॉमिक नंबर पूछा है कि मास नंबर पूछा है, मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर एटॉमिक नंबर पूछा तो 16 कर दीजिए, मास नंबर तो 32 हो जाएगा। अब इंड्यूस करंट के बारे में एक पूछा था, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था, तो आप ये बात देख लीजिए इंड्यूस करंट कहते किसको है। द करंट जनरेटेड इन ए वायर ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज करने के बाद जो कॉइल पे जो करंट उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं इंड्यूस करंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका फोटोवोल्टिक सेल का एक एग्जांपल दिया तो बोलने के लिए बोला था, तो हो जाएगा सोलर पैनल, जो हम घर में लगाते हैं सोलर पैनल वही हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल। पावर का पूछा था, पावर का जो फार्मूला था वो तो वोल्ट इनटू करंट हो जाएगा पावर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि प्रिज्म में कौन सा लाइट का डेविएट, मतलब सबसे ज़्यादा डेविएशन होता है? सबसे ज़्यादा होता है वायलेट का, सबसे कम होता है किसका? रेड का, ठीक है। और एक रिएक्शन यहाँ पर दिया था आपका कि NaCl प्लस AgNO3, मतलब खाने वाला नमक और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट होता है? तो आपका हो जाएगा AgCl प्लस NaNO3, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड, या सोडियम क्लोराइड को सिल्वर से, सिल्वर से रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था व्हिच रिएक्शन ऑलवेज गिव द प्रेसिपिटेशन, ये क्वेश्चन भी 3 से 4 बार रिपीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका कौन सा रिएक्शन प्रेसिपिटेशन देता है, मतलब अधक्षेप देता है, कौन सा रिएक्शन में अधक्षेप मिलता ही मिलता है? तो आपका हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका अधक्षेप मिलता ही मिलता है। एक क्वेश्चन आया था आपका आर्टिकल के बारे में, देखिए आर्टिकल जो फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल राइट्स है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ के जाइए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए आर्टिकल 18 के लिए पूछा गया था, आर्टिकल 18 किस बारे में है? एबोल्यूशन ऑफ टाइटल, जो टाइटल होता है उसके एवोल्यूशन के बारे में बात किया गया था। लेकिन आप आपके नाम के आगे जो टाइटल बैठता है आर्मी के लिए और डॉक्टर के छोड़ के, आप कोई भी एक्स जैसे पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, ये टाइटल आप नाम के पहले नहीं लगा सकते, इसे बोला एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, इसको बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा जो इंडिया कौन से गोलार्ध पे है, ये क्वेश्चन था, तो आप बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध पे है, ठीक है। अब ये तो सबसे आसान आसान वाला क्वेश्चन था, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये आप सबको पता चल गया मेंडल के बारे में, मेंडल के जितने भी तथ्य है वो आप सब देख के जाइए कि वही से क्वेश्चन बहुत आ रहा है अभी। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल जो होता है वो किस काम आता है, ठीक है। वैक्यूल आपका स्टोरेज में आता है, वैक्यूल सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो प्लांट में, ठीक है, वो स्टोरेज के काम पे आता है। अब यहाँ पे एक बहुत सारे एग्जांपल दिया था, तो वही पे बोला था कि 2-carbon acid कौन सा है, तो आप बोलेंगे CH3COOH, 2-carbon acid, ठीक है। अब IPL से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, अब देखिए कि IPL 2020 का ये कौन सा वाला एडिशन था, ये था 15 वाला एडिशन। अब टोटल नंबर ऑफ द टीम भी आया था कि IPL कितना खेला है 2020 में, यह 10 है, पहले 8 था प्लस अब नया 2 टीम ऐड हुआ है, तो उसमें हो जाएगा टोटल 8+2=10, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था कि हॉकी टीम का गोलकीपर कौन है, लगभग सभी को पता होगा अभी कि हॉकी टीम का गोलकीपर, इंडियन हॉकी टीम मेन हॉकी टीम का गोलकीपर जो है वो है पी आर श्रीजेस, ठीक है। एक आर्म सैक के बारे में पूछा था, आप कौन सा वाला पूछा था पता नहीं, लेकिन आर्म सैक पास कब हुआ था? 1878 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि AGBR जो है वो कहाँ पे काम पे आता है, वो है फोटोग्राफी पे काम पे आता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी पे, ये भी सवाल आया होगा कि कौन से फोटोग्राफी होगा, तो ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। अब पूछा गया था हाउ मेनी आर्टिफिशियल एलिमेंट इन पीरियड, पहले वाला सवाल क्या था, हाउ मेनी नेचुरल एलिमेंट, आप
इस बार सवाल क्या आया है, हाउ मेनी आर्टिफिशियल एलिमेंट, आर्टिफिशियल कितना होगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीटेड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा त्रिपुरा के बारे में पहले भी आया था क्वेश्चन, कि खर्ची पूजा कहाँ का फेस्टिवल है, त्रिपुरा का है। और ये वाला क्वेश्चन आया था कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस कहाँ पे है, मैसूर पे है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हो चुके हैं, खास करके मैसूर वाला जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आपको लगभग अभी तक भी लगभग 10 से 12 बार रिपीट हो चुका है कि लैंग्वेज कितने क्लासिकल लैंग्वेज हैं हमारे यहाँ, कौन कब क्लासिकल लैंग्वेज बना है। ठीक है, अब ये जो लैंग्वेज है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज कहाँ पर है, मैसूर पर है। ठीक है, थैंक यू। अभी जो 6 सितंबर का जो ऑल शिफ्ट का जो क्वेश्चन था यह हमने कवर कर दिया, कुछ न्यूमेरिकल आए थे जो यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया, और कुछ डायग्राम वाला क्वेश्चन आए थे। ठीक है, बाकी ऑल ओवर जो क्वेश्चन था जीके का और साइंस का मैंने कवर कर दिया है। लगभग आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू।